और चलिए सीधा रुख करेंगे अयोध्या का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां पर वो पहुंचकर जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए अयोध्या से ये तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं, साथ ही तैयारियों का जायजा और निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन किया और हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद में आप पूरे अयोध्या में भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है, इसके अलावा साज सज्जा का काम कैसा किया गया है और तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए न्यूज 18 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या का भ्रमण कर रहे हैं और साथ ही तैयारियों का निरीक्षण कर जायजा भी ले रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने साधु संतों से मुलाकात भी की और सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा कड़ी की गई है इसको लेकर भी अधिकारियों से चर्चा करते हुए वो नजर आए। तो पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बस अब 100 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और ऐसे में ये देखिए साधु संतों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूर दूर से साधु संत पहुंच रहे हैं अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए। और ऐसे में 22 तारीख को तमाम वीवीआईपी मेहमान भी आएंगे अयोध्या, तो सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। कल से आम लोगों के भी अयोध्या जाने पर पाबंदी रहेगी। और ये दो तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर में साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं, आप देखिए आसपास आपको बड़ी संख्या में साधु संत नजर आएंगे जो कि बनारस, उज्जैन और तमाम राज्यों से पहुंचे हुए हैं अयोध्या। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर फोर व्हीलर से मुख्यमंत्री भ्रमण कर रहे हैं और पूरी अयोध्या को देख रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। तो राम मंदिर निर्माण स्थल पर भी जब पहुंचेंगे, अनुष्ठान भी जारी है। और देखिए ये पूजा अर्चना की एक और तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देखिए साधु संतों के साथ में प्रभु श्री राम की आरती उतारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज सीएम का अयोध्या दौरा है, हालांकि इससे पहले भी दो दिन पहले भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे अयोध्या, और लगातार बैक टू बैक दौरे उनके जारी हैं। 22 तारीख से पहले वो ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि क्या तैयारियां और व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। इससे पहले भी उन्होंने अधिकारियों के साथ जब मीटिंग की थी तो तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए थे। और देखिए हवन चल रहा है क्योंकि अनुष्ठान की शुरुआत 16 तारीख से ही हो गई थी, तो ये हवन में आहुति देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो दूर दूर से साधु संत पहुंचे हुए हैं और 21 तारीख तक ये विशेष अनुष्ठान चलता रहेगा और उसके बाद में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और ये तस्वीरें आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि अनुष्ठान में भी शामिल हुए, पूजा अर्चना भी की उन्होंने, और उसके बाद भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तो 16 तारीख से अनुष्ठान की शुरुआत हो गई, कल मूर्ति भी स्थापित की गई गर्भगृह में और लगातार यह अनुष्ठान 21 तारीख तक चलता रहेगा। विशेष मंत्रोच्चार के बीच में अनुष्ठान जारी है और अब आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में एक एक जगह पर वो पहुंच रहे हैं और अब ये राम भद्राचार्य जी से मुलाकात की तस्वीरें आप देखिए आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने पहुंचकर उनसे मुलाकात भी की, बातचीत भी की और साथ ही साधु संतों में खासा उत्साह नजर आ रहा है, काफ़ी खुशी देखी जा रही है क्योंकि एक लंबा इंतज़ार अब बस खत्म होने वाला है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा का अब वक्त बहुत नज़दीक आ चुका है और ऐसे में जो देश के तमाम साधु संत हैं वो अयोध्या का रुख कर रहे हैं। और ये देखिए ये चरण पादुका जो कि कुछ दिन पहले ही लाई गई अयोध्या, तो अयोध्या को त्रेता युग जीवंत करने की जो यहाँ पर कोशिश है, ठीक तैयारियां भी बिल्कुल वैसी ही हो गई हैं। यहाँ पर सड़कों पर लाइटिंग की गई है और प्रभु श्री राम की एक एक जो जीवन उनका चित्रण है उसको दर्शाया जा रहा है और 500 मूर्तियां बनवाई गई हैं। इसके अलावा हर तरफ तैयारियां काफी जोरों पर हैं।
तो ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, वीवीआईपी गेस्ट भी पहुंचेंगे अयोध्या धाम, और उसके बाद में आम श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। हालांकि 26 जनवरी के बाद का कहा गया है। अब ये तीन तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर जहां पर अधिकारियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे, और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब अनुष्ठान में शामिल हुए मुख्यमंत्री और यज्ञ में आहुति भी दी और पूजा अर्चना भी दी। तो एक एक तैयारियों का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फीडबैक ले रहे हैं और साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। अभी चरण पादुका की आप तस्वीरें देखिए, इसे खास तौर पर तैयार करवाया गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो अधिकारियों के साथ में चर्चा भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, और कहीं पर कोई कमी अगर दिख रही है सीएम को तो वहां पर वो फीडबैक भी दे रहे हैं और जल्द से जल्द उन कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी ज्यादा इसे खास बनाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, साथ ही तमाम वीवीआईपी गेस्ट भी पहुंचेंगे। तो पहली तस्वीर टेंट सिटी का जायजा जब लिया, विंटेज कार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रमण करते नजर आए, जहां पर तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, और साथ ही वो ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि क्या सभी तैयारियां पूरी हैं।